नमस्कार, स्वागत है आपका विराट 24 न्यूज में। मैं आपके साथ आदर्श। राजनीति में अब पढ़े लिखे युवाओं का पादार्पण हो चुका है। राजनीति में अब कई ऐसे चेहरे शामिल हो रहे हैं जो देश को नई दशा और दिशा की ओर ले जा सकते हैं। ऐसा ही एक विदेश में पढ़ाई कर मातृभूमि से प्रेम रखने वाले युवा इन दिनों चर्चा में है। दरअसल गुड़ विधानसभा क्षेत्र से आप पार्टी ने एक ऐसे युवा को अपना प्रत्याशी बनाया है जो अमेरिका में रहकर पढ़ाई की, नौकरी किया, लेकिन कुछ ऐसे नेताओं के संपर्क में आया जिन्होंने उसकी सोच को ही बदल दिया। वह निकल पड़ा अपने ग्राम जनसेवा करने। दरअसल हम बात कर रहे हैं गुड़ विधानसभा से आप पार्टी के प्रत्याशी बनाए गए प्रखर प्रताप सिंह की, जो मैदान में आकर गुड़ विधानसभा में मुकाबले को त्रिकोणी कर दिया है। 25 वर्षीय आर्किटेक्ट प्रत्याशी के नामांकन में जिस तरह से भीड़ उमड़ी, उसे देखकर भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों की नींद उड़ गई। हमारे चैनल हेड रामानंद पांडे ने आप प्रत्याशी प्रखर प्रताप सिंह से चर्चा की तो उन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा से लेकर गुड़ विधानसभा क्षेत्र को किस तरह से विकसित करने का सपना लेकर गृह ग्राम पहुंचे हैं, खुलकर बात की। सुनते हैं आप पार्टी से प्रत्याशी बनाए गए प्रखर प्रताप सिंह को, जिन्होंने सड़क, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा से लेकर विभिन्न मुद्दों तक अपनी बात रखी। सुनते हैं आप पार्टी से प्रत्याशी बनाए गए प्रखर प्रताप सिंह को, जिन्होंने सड़क, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा से लेकर विभिन्न मुद्दों पर अपनी बात रखी है। हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश रीवा जिले के गुड़ विधानसभा क्षेत्र से आप पार्टी के प्रत्याशी प्रखर प्रताप सिंह जी। प्रखर प्रताप सिंह जी विदेशों में शिक्षा प्राप्त की, लेकिन मातृभूमि का प्रेम उन्हें फिर अपनी जन्मभूमि और अपने गृह ग्राम पर लेके आया है और वो आप पार्टी से प्रत्याशी हैं। पहले तो हम जानेंगे उनसे कि उनकी शिक्षा दीक्षा कैसे, कहाँ हुई और आखिर रीवा की राजनीति में क्यों सक्रिय हुए। नमस्कार सर। देखिए, हमारे देश में अगर पूरे देश को देखा जाए तो जो हमारे पूरे देश का वर्क कल्चर है वो ऐसी स्थिति पे नहीं है कि जो हमारे देश के सबसे अच्छे दिमाग, जिसको कहा जाए कि एक्सीलेंट ब्रेन्स हैं, वो बाहर जाने का हमेशा से प्रयास करते हैं। और फिर अगर अपन फोकस अपने विधानसभा क्षेत्र पे लाएं तो उसमें व्यवस्था और भी ज़्यादा गंभीर है, समस्या और भी ज़्यादा गंभीर है कि मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। और जितने भी हमारे युवा हैं जो किसी तरीके से अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी कर रहे हैं या पढ़ाई लिखाई पूरी करने के लिए और सरकारी व्यवस्थाओं के होते हुए वो बाहर जाने का प्रयास करते हैं, और अगर बाहर चले जाते हैं तो फिर नौकरी बाहर ही करना चाहते हैं। तो ये सारे जो चीज़ें, जो डिसीजंस हमारे युवा ले रहे हैं वो हमारे क्षेत्र की व्यवस्थाओं से परेशान होके ही ले रहे हैं। और रही बात मेरी, तो मेरा जो संस्कार है, जो मेरा पालन पोषण है, वो ये अलाउ नहीं करता कि मैं अपनी पहचान से दूर भाग पाऊँ। देखिए, ये स्वतंत्र देश है, चाहता तो मैं भी कुछ भी कर सकता था, मगर मेरी अंदरूनी इच्छा बाहर जाने के बाद भी हमेशा यहीं अटकी रहती थी कि मैं बहुत कुछ अगर हासिल कर भी लेता तो मैं नहीं चाहता, मैं, मुझे नहीं पता था कि मैं उसे कभी जस्टिफाई कर पाता। आज अगर मैं अपने क्षेत्र में, अगर उदाहरण के रूप में, अगर एक ईटा, एक पत्थर उठा के भी सही जगह रख दूं तो वो ज़्यादा मेरे लिए महत्वपूर्ण होगा और ज़्यादा मेरे लिए मतलब का होगा। तो भले ही उच्च शिक्षा के लिए मुझे मौका मिला कि मेरी अच्छी अच्छी से अच्छी शिक्षा हो पाए, और अगर मैं इस्तेमाल अपने क्षेत्र में अपनी पहचान के लिए, अपनी पहचान को सुधारने के लिए उसको नहीं इस्तेमाल कर पाता तो मुझे नहीं लगता कि उसका कोई अर्थ निकलता। आप एक आर्किटेक्ट हैं, कैसा एक नक्शा आपके दिमाग में है कि अपने रीवा जिले के गुड़ विधानसभा क्षेत्र में कैसा मॉडल बनाया जाए, तैयार किया जाए कि सड़क, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा के क्षेत्र में अपना एक अलग विधानसभा क्षेत्र निकल कर आए। जी, आपने सही कहा कि मेरी डिग्री जो है, मेरी पढ़ाई है वो आर्किटेक्चर की है, और अमेरिका और अपने भारत देश में मैं लाइसेंस्ड आर्किटेक्ट भी हूँ। और इसी दौरान जब मैं ये हुनर प्राप्त कर रहा था तो जो सही उदाहरण होते हैं विकास के, उसको बहुत ही नज़दीकी से मैंने देखा है और बहुत ही नज़दीकी से समझा। अब मॉडल तो देखिए, अगर मैं एकदम फिजिकल मॉडल की बात करूँ तो बहुत ही शानदार इमेजिनेशन है मेरी, मगर उस तक पहुंचने के लिए बहुत ही मेहनत, बहुत ही तपस्या की ज़रूरत है और संयुक्त तपस्या की ज़रूरत है, क्योंकि ये इतनी
जो व्यवस्था है वो इतनी बुरी हो चुकी है कि इसको सुधारने में काफी सहयोग लगेगा लोगों का, और मेरा मार्गदर्शन, आम आदमी पार्टी का मार्गदर्शन में हम अच्छी रोडों की व्यवस्था, अच्छी नालियों की व्यवस्था, इरिगेशन की व्यवस्था, अच्छी स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था, और जो है उसी को अभी सुधार दें तो वही बहुत सुंदर हो जाएगा। गुड़ विधानसभा जहां से आप प्रत्याशी हैं, रीवा से जुड़ा हुआ विधानसभा क्षेत्र है, लेकिन आज भी मूलभूत सुविधाएं हैं जो स्वास्थ्य के शिक्षा में आप स्वास्थ्य के रूप में आप देख लीजिए, सीधे आपको गुड़ से लेकर रीवा रेफर कर दिया जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में देखिए, विद्यालय है तो छात्र नहीं है, छात्र है तो शिक्षक नहीं है, ये सब चीज़ों को अभी आपने भ्रमण भी किया होगा, तो इनमें क्या सुधार है? खासकर आपकी जो पार्टी है शिक्षा और स्वास्थ्य में विशेष ध्यान दे रही, चाहे दिल्ली का मॉडल हो चाहे पंजाब का आपने देखा है, तो किस तरह से अभी आपने देखा वहाँ क्या देख रहे हैं और कैसे ले जाएंगे आगे? जी, आम आदमी पार्टी ने श्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में 2013 में अपना सफ़र शुरू किया था, और आज जो मध्य प्रदेश के आम आदमी पार्टी के मैनिफेस्टो में जो हम अरविंद केजरीवाल जी ने 10 गारंटियों का, गौर करिएगा, 10 गारंटियों का ये घोषणा की है, और मैंने जैसे पहले भी बताया कि सारी समस्याएं एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो सबसे पहले शुरुआत उन गारंटियों में की गई थी शिक्षा की, स्वास्थ्य की, बिजली की, भ्रष्टाचार मुक्त क्षेत्र की, तीरथ करवाने की, और हमारे फौजी जो शहीद होते हैं उनके लिए जो गारंटी घोषित करी है, आदिवासी गारंटी घोषित करी है, ये सारी चीज़ें दिल्ली में धरातल पे उतारी गई हैं, और दिल्ली के बाद श्री भगवंत मान जी के नेतृत्व में पंजाब में भी उतारी गई हैं, और आज व्यवस्था ऐसी है कि जो हमारी सरकारी व्यवस्थाएं हैं दिल्ली में या पंजाब में, वो उनकी तुलना प्राइवेट स्कूल्स, जो उसी क्षेत्र के प्राइवेट स्कूल हैं उनसे उनका आंकड़ा लगाया ही नहीं जा सकता। उनको तैयार किया गया था इंटरनेशनल स्कूल्स और इंटरनेशनल देशों में जो एजुकेशन व्यवस्थाएं हैं उनको एग्जाम्पल रख के इसको वहां तक पहुंचाने की प्रयास की गई थी, और आज वो बहुत ही सफल स्तर पर है, और उसी तरीके से मध्य प्रदेश में भी जनता का यही रुझान है कि ऐसी व्यवस्थाओं की शुरुआत मध्य प्रदेश में भी हो, गुड़ विधानसभा में भी हो, तो ऐसी चीज़ों की व्यवस्थाएं सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, और इससे एक वर्क कल्चर तैयार होता है, एक इकोसिस्टम तैयार होता है कि जहाँ पे अगर हमारे क्षेत्र में टैलेंट है, मान लीजिए कि स्पोर्ट्स में ही टैलेंट है, तो ये व्यवस्थाएं उसको निखार के सामने लाएंगी, शिक्षा में टैलेंट है तो जितने भी हमारे कंपिटिटिव एग्जाम्स हैं उसको निखार के लाएगी, स्वास्थ्य में आप कह रहे हैं कि रेफर किया जाता है, मगर वो तो कहीं भी अगर आप देखें कि हमेशा कहीं ना कहीं उससे ज़्यादा बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं, मगर जो पहला चरण होता है चिकित्सा का, प्राथमिक चरण जो होता है चिकित्सा का, वो ज़रूर पूरा होना चाहिए। दुख की बात है कि हमारे विधानसभा क्षेत्र में हॉस्पिटल होने के बाद भी ऐसी व्यवस्थाएं हम लोग नहीं कर पाए, तो इसीलिए मुझ जैसे युवा को आगे आना पड़ेगा कि कम से कम संचालन को इतना सुधार दिया जाए कि जितनी पैसा लग चुका है, जितनी भी संस्थाएं बन चुकी हैं और जो सरकारी व्यवस्थाएं हैं उसको बढ़िया से चलाया जाए, तो वैसे ही जो आगे के विकास करने के लिए जो क्षेत्र की स्टेबिलिटी है, जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो थोड़ी स्टेबल हो जाएं, तो आगे का विकास किया जाए। आपके चुनाव में आ जाने से त्रिकोणीय मामला हो गया, भारतीय जनता पार्टी से वरिष्ठ प्रत्याशी हैं, कांग्रेस से 2 बार 3 बार का चुनाव लड़े हुए प्रत्याशी हैं, आप एक युवा आकर सामने ताल ठोक दिए, क्षेत्र में आप जब गए तो कैसा आपको वहाँ माहौल मिल रहा है, कैसा लोग देखना चाहते हैं? सर, इसमें मैं चाहता हूँ कि, मैं जानता हूँ कि आपका अनुभव ज़्यादा है, जर्नलिज्म आप कर रहे हैं, तो ये आपकी समझने की चीज़ है कि वो त्रिकोणी है कि 4 ओर से है कि 5 ओर से, कैसा है? देख रहे हैं लोग अभी आपको? देखिए, मैं प्रखर हूँ, आम आदमी का प्रत्याशी हूँ, हम लोगों ने एक लकीर बनाई है और उस लकीर में एक बहुत बड़ा उद्देश्य है, और उस उद्देश्य में ही चलना सिर्फ हमारा काम है, जिसमें हम जानते हैं कि जनसेवा किस रूप से अच्छी तरीके से की जा सकती है। अब वो त्रिकोणी हैं, वो देखिए आप ज़्यादा समझ सकते हैं, और रही मेरी व्यक्तिगत बात, तो मैंने एक अपना एक नियम बनाया है कि मैं व्यक्ति विशेष की टिप्पणी के चक्रव्यूह में कभी नहीं पड़ूंगा, तो वो जाने,
मैंने अपनी लकीर बनाई है, लोगों का सहयोग मुझे मिल रहा है। नामांकन रैली मेरी हाल ही में हुई थी, उसमें बहुत ज़्यादा सहयोग मुझे मिला, बस एक मात्र पर्चा दाखिला के लिए। तो लोगों का रुझान आम आदमी पार्टी की तरफ है। मैं क्षेत्र की पैदाइश हूँ, गुड़ का बेटा हूँ, तो उसकी तरफ बहुत ज़्यादा रुझान है, क्योंकि काफ़ी समय से ये क्षेत्र अपने क्षेत्र के नेता, अपने क्षेत्र के प्रतिनिधि को सामने कभी नहीं ला पाया है। हमेशा बहुत समय से बाहर के लोग आके यहाँ पे प्रतिनिधि बने हैं, तो उस चीज़ की बहुत ज़्यादा खुशी है लोगों में, और बहुत ज़्यादा मुझे सहयोग कर रहे हैं कि पीछे मुड़ के नहीं देखना है, संकल्पित रहना है, और वो सारी चीज़ें मैंने अपने जीवन पे उतार ली। आपके दादाजी समाज सेवा से जुड़े रहे, पिताजी समाज सेवा से जुड़े रहे, आप बाहर पढ़े और राजनीति में आए। आज जो राजनीति को जो दृष्टि से लोग देखते हैं, आपको जनता वोट देगी, आप आगे जाएंगे, ऐसा कौन सा एक काम होगा आपका कि जो पिताजी और आपके बाबा जी जुड़े हुए, जिस पेशे से जुड़े हुए, राजनीति को आगे ले जाकर आप करना चाहेंगे क्षेत्र में? देखिए, मेरे इतिहास में, मेरे परिवार के इतिहास में राजनीति का अनुभव नहीं है, राजनीतिक अनुभव नहीं है, मगर मेरे बब्बा जी आज 85 साल की उनकी उम्र हो गई है, और 60 to 67 years तक उन्होंने जो कार्यशैली उनकी थी, जीवन शैली, उसमें हमारे उनके मार्गदर्शन में हमारे परिवार ने कई ऐसे जनसेवा हित काम किए हैं, धर्म कर्म के काम किए हैं, कि सबसे पहली बात जो मेरा मोटिवेशन है, जहाँ से मुझे वो जो शक्ति मिलती है ये कदम आगे बढ़ाने की, वो वहीं से है। और ये भी था कि उस समय की मांग थी कि हमारे परिवार में कोई भी राजनीति नहीं करेगा, मगर आज जब मैंने ये कदम आगे बढ़ाया है तो सबसे ज़्यादा खुश मेरे बब्बा जी भी थे। उन्होंने कहा कि बेटा, वो नियम उस समय की मांग थी, इस समय ये तुम्हारा ये कदम बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो भी जानते हैं, उनसे ज़्यादा कोई नहीं जानता मेरे परिवार में, कि उस क्षेत्र की समस्याएं, उस क्षेत्र की जो गंभीरता है, समस्याओं की जो गंभीरता है, वो उनसे ज़्यादा कोई नहीं समझता, और वही चीज़ मैं अपने अंदर लाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसीलिए उनका सबसे ज़्यादा सहयोग है। और एक जो पवित्र उद्देश्य है जनसेवा का, जो मैंने अपने बब्बा जी से पाया है, और जीवन पर्यंत संकल्प के साथ उसी को आगे बढ़ाना है, और उससे कभी नहीं भटकना है। क्षेत्र की जनता से को क्या आप विश्वास दिलाना चाहेंगे, अगर पूछा जाए कि जनता अगर आपसे बात कर रही है तो क्या आप विश्वास दिलाना चाहेंगे जनता को, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले के जब भी मैं बातचीत किया करता था तो स्पेसिफिक मुद्दों पे इन सारे सवालों को ले जाया करता था, मगर आज जो मेरा क्षेत्र का अनुभव है, तो आप मतलब इसको शॉकिंग मानेंगे कि लोग मुझसे ये कह रहे हैं कि बेटा, आज तो तुम मेरे सामने आके बैठे हो, ये याद रखना कि अगर तुमको मौका मिलता है तो तुम बाकी काम तो देखो करोगे ही, वो हम सब जानते हैं कि जो तुम्हारा व्यवहार है, जो तुम्हारा हुनर है, जो तुम्हारी शिक्षा दीक्षा है, जो तुम्हारे संस्कार हैं, उसमें तुम कई सारे काम करोगे, उससे हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं, और हम लोगों को भरोसा है, विश्वास है कि तुम वो सारे काम करोगे। मगर आज चुनाव के पहले जैसे तुम हमारे सामने आए हो, मेरे साथ बैठे हो, जिस तरीके से मेरे से बात कर रहे हो, वो ज़रूर याद रखना कि मौका मिलने के बाद तुम्हारे व्यवहार में कोई भी परिवर्तन नहीं आना चाहिए। अब आप इस चीज़ की गहराई को समझिएगा। लोगों को भरोसा है, क्योंकि अगर इस उम्र में मैं इतना बड़ा साहस कर पा रहा हूँ, तो वो जानते हैं कि ये एकदम पवित्र उद्देश्य के कारण इतना बड़ा साहस मैं कर पा रहा हूँ, मगर बस वो ये चीज़ को स्थापित करना चाहते हैं कि सबसे पहला अगर जो तुम काम करना और सबसे पहली चीज़ का ध्यान रखना, वो अपने व्यवहार में कभी भी बदलाव मत आने देना। तुमको 5 साल का समय मिलेगा, 5 साल बेटा बहुत होता है कि अगर आज तुम आ पाए हो इतने कम समय में, तो 5 साल में सोचो कि तुम हर गांव के हर घर में जा सकते हो, तो उस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना, और लोगों की समस्या सुनना, लोगों के साथ खाना खाना, लोगों के साथ पानी पीना, और हमेशा उनसे रिश्ते ऐसे जोड़े रहना, और बाकी का काम तो तुम वो जानते हैं कि मैं कर लूँगा। तो यह थे हमारे साथ प्रखर प्रताप सिंह जी, जो विदेश में पढ़ाई करके रीवा लौटे हैं। हर युवा का सपना होता है कि बाहर जाकर पढ़ाई करें और वहाँ सेटल हों, लेकिन प्रखर प्रताप सिंह को मातृभूमि यहाँ लेके आई, और यहाँ सेवा में हमारी सार्वजनिक शुभकामनाएँ हैं, जो उनकी मनसा है, जो उनके सपने हैं पूरे हो। जनता 17 तारीख को वोट देगी, इसके बाद
गुढ़ विधानसभा का भविष्य निर्भर करेगा कि एक आर्किटेक्चर को मिलता है, जनप्रतिनिधि को मिलता है, वो किस तरह से अपने वो विकास क्षेत्र को चाहते हैं। विराट 24 के लिए रामानंद पानी। सुना आपने, यह थे आम आदमी पार्टी से गुढ़ विधानसभा से प्रत्याशी प्रखर प्रताप सिंह, जिनके सपने बहुत बड़े हैं। आपको बता दें कि हर युवा गांव से शहर, शहर से बड़े महानगर और विदेशों में पढ़ाई करना चाहता है और अपना करियर बनाना चाहता है, लेकिन यह राजनीति के लिए अच्छी बात है कि विदेश में पढ़ाई कर युवा नई सोच, नई ऊर्जा के साथ अपने वतन लौटकर अपनी मातृभूमि की सेवा करना चाहते हैं। हालांकि क्षेत्र की जनता इन्हें अपना कितना प्यार देती है यह तो 3 दिसंबर को ही पता चलेगा, लेकिन युवाओं का देश की राजनीति में आना समाज के लिए अच्छी बात है। आप बने रहिए विराट 24 न्यूज के साथ, हमें दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।